धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं भारत सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस मंच के माध्यम से, नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से, जो गांव में छोटे छोटे कस्बों में जो प्रतिभाएं हैं, अरे कोई भारत के लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी पैदा नहीं होता, उसको अपने कला का प्रदर्शन करना होता है। और भाइयों बहनों मैं बता दूं कि शायद ये दुनिया की सबसे टफ कॉम्पिटिशन होता है, ये दुनिया का सबसे टफ कॉम्पिटिशन होता है। कला एक साधना है, और जैसे एक साधक 10-20-25-50 वर्षों तक साधना करके और सिद्धि को प्राप्त करता है, वैसे ही कला है। अलग है हेलो सुनते ही साहब, अभी लता जी का कोई सामने नहीं है इस दुनिया में। दुनिया के कई देश उनके स्वर पर शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। आज लता जी का उम्र जहां तक मुझको लगता है, हो सकता है कम जानकारी हो, उनको लगता है कि 90 साल से कम की नहीं है। लेकिन आज उम्र का तो असर सब पे होता है, लेकिन आज भी जब वो आती है तो लगता है कि कोई 12-14 साल लड़की का उन्हें स्वर्ग कोकिला की उपाधि दी गई। तो मित्रों मैं ये चीज जरूर कहना चाहूंगा, देखते हैं कि आप इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, आगे और कुछ करने की आवश्यकता है। अभी तक जितना कार्यक्रम मैंने देखा बहुत ही अच्छा होता है।